हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज का क्वेश्चन है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू। तो देखिए ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे अगर इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये भी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। यानी कि नीचे भी क्या रहेगा, एक्स प्लस वन और x माइनस टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यह रहेगा x स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू। x स्क्वायर माइनस टू ये इसके फैक्टराइजेशन, इस फैक्टर को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू आता है। अब देखिए न्यूमरेटर की जो पावर है और डिनोमिनेटर की पावर है सेम है, न्यूमरेटर की पावर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश की पावर और हर की पावर आपस में क्या है, बराबर है। जब ये दोनों अगर बराबर होती है तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो देखिए अगर नीचे की पावर ज्यादा है, नीचे की पावर कम है और ऊपर की पावर ज्यादा है तब भी हम डिवाइड करते हैं। अगर नीचे की पावर और ऊपर की पावर, अगर x पावर का मतलब x की पावर ऊपर नीचे अगर बराबर है तो हम डिवाइड करेंगे। देखिए मैं इसमें डिवाइड करता हूं तो देखिए यहां से लिखता हूं x स्क्वायर अपॉन x प्लस वन x माइनस टू। तो देखिए मैं इसको डिवाइड करता हूं x स्क्वायर में, ये है हमारे पास में x स्क्वायर माइनस x माइनस टू। कितनी बार जाएगा इसमें, एक बार। तो देखिए x स्क्वायर माइनस x माइनस टू, तो ये माइनस और ये प्लस आपस में कट गया, यहां से क्या बचा x प्लस टू, क्या बचा x प्लस टू। तो अब इसको जब लिखेंगे तो x वन प्लस, यहां पे दोनों के दोनों प्लस में, प्लस x प्लस टू अपॉन, ये तो इसमें डिवाइड किया तो वन मर गया, नीचे इसका रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर को आप लिखेंगे, देखिए x प्लस टू अपॉन ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस टू। अब इसका देखिए मैंने क्या किया है, इसको डिवाइड किया है, यानी कि डिवाइड करने का मतलब ये जो नीचे की पावर है, नीचे की पावर से और इसकी जो रिमाइंडर है वो कम, इसकी नीचे की पावर से रिमाइंडर क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि इसको ये जो पावर है रिमाइंडर वाली, ये नीचे उसकी पावर से कम होनी चाहिए, यानी कि इसकी पावर से ये रिमाइंडर की पावर कम होनी चाहिए। तो मैं देखिए इसको लिखूंगा 1 प्लस x प्लस 2 अपॉन ये आ जाएगा देखिए x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, या तो ये लिख सकते हैं या इसको मैं लिख दूं ये फैक्टर इसका x प्लस 1 और x माइनस 2, ये हो गया। अब देखिए यहां से x प्लस टू अपॉन x प्लस वन एक्स माइनस टू, ये वन तो अलग हो गया। अब इस चीज को मानेंगे हम x प्लस टू अपॉन x प्लस वन एक्स माइनस टू बराबर a अपॉन x प्लस वन प्लस b अपॉन x माइनस टू। अब देखिए देखिए अब इसी का से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस टू बराबर a x माइनस टू प्लस b x प्लस वन। तो देखिए पुट करेंगे इसमें x बराबर, फिर b की वैल्यू निकालेंगे तो पुट क्या करेंगे, x बराबर माइनस वन। तो देखिए माइनस वन प्लस टू बराबर a माइनस वन माइनस टू प्लस b, और ये माइनस वन प्लस वन हो जाएगा जीरो। तो प्लस वन बराबर माइनस के थ्री ए, ए बराबर आ जाएगा माइनस का वन बाई थ्री। अब पुट कर देते हैं, देखिए एक्स बराबर पुट किया मैंने, एक्स बराबर दो तो इधर हो जाएगा फोर, इधर जीरो और बी आ जाएगा थ्री बी, बी बराबर आ जाएगा फोर बाई थ्री, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी फोर बाई थ्री। अब देखिए इंटीग्रल जो स्टार्ट होगा, हमारे पास में ए और बी की वैल्यू क्या आ गई, a की तो आ गई हमारे पास में देखिए माइनस वन बाई थ्री, b की आ गई फोर बाई थ्री। अब देखिए मेरा इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, तो देखिए अब देखिए इंटीग्रल यहां से देखिए वन से स्टार्ट होगा, ये वन आ गया, ये dx हो गया, प्लस
अब देखिए भाई इस चीज को क्या माना है, x plus 2 upon x plus 1, x minus 2 को क्या माना है मैंने, a upon, तो a, a का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास में minus 1 upon 3 integration dx upon x plus 1 plus b, b की वैल्यू कितने आ गई 4/3 integral dx upon और ये आ जाएगा x minus 2। तो देखिए इंटीग्रल कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से जहां से माना हुआ एक, एक का इंटीग्रल क्या प्लस इस चीज को x plus 2 upon x plus 1 x minus 2 को मैंने क्या माना है a upon x plus 1 b upon x minus 2, तो इंटीग्रल इसका होगा। तो a की वैल्यू मेरे पास में माइनस 1/3 b के आगे 4/3 इंटीग्रल कर दो इसका, तो ये आ जाएगा x minus 1 upon 3 log x plus 1 plus 4/3 log x minus 2 plus c, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए इसके आगे क्वेश्चन है 9 का, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर क्या था अपना बस में 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है आई इक्वल्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डीएक्स। तो देखिए इसको करेंगे तो ऊपर x स्क्वायर नीचे x स्क्वायर नीचे x स्क्वायर, तो इस x स्क्वायर के बराबर कुछ भी मान सकते हैं भाई, मान लो t मान लो, या फिर इसको x स्क्वायर बराबर या सीधा इसको निकालो a upon x स्क्वायर plus a स्क्वायर plus b upon x स्क्वायर plus b स्क्वायर, कैसे मान लो। तो देखिए x स्क्वायर बराबर मैंने मान लिया इसको t, तो ये आ जाएगा t upon t plus a स्क्वायर, लेट कर लिया भाई मैंने इसको। देखिए लेट करने पे इसका डिफरेंशियल नहीं करेंगे, डिफरेंशियल बिल्कुल भी नहीं करना आपको, आपको सिर्फ जो इसका इंटीग्रल करने के लिए a और b जो मानेंगे उसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको ऐसे करते t plus b square, तो ये आएगा देखिए a upon t plus a square plus b upon t plus b square, अब इसी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा t बराबर a t plus b square plus b t plus a square। अब देखिए t बराबर मैं क्या रखता हूँ, पुट कर देते हैं t बराबर मैं रख दूँ minus a square, तो minus का a square बराबर a minus a square plus b square और ये क्या हो जाएगा b zero। तो देखिए a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा हमारे पास में माइनस ए स्क्वायर अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या a इक्वल्स टू माइनस कॉमन लेके कर दो उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की वैल्यू ये आ जाएगी। अब पुट कर देता हूँ मैं, देखिए पुट t बराबर मैं रख देता हूँ माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर रखूंगा तो देखिए इधर से माइनस बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए जीरो हो जाएगा और बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यह आ जाएगा बी स्क्वायर, तो बी बराबर आ जाएगा
माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू ये आ जाएगी। अब देखिए इसका इंट्रीगल करेंगे, क्या करेंगे इंट्रीगल। अब देखिए इंट्रीगल यहां से स्टार्ट होगा, कहां से, यहां से। अब देखो इसका इंट्रीगेशन करेंगे, ए की वैल्यू कहां है मेरे पास, वो यहां से इंट्रीगल करेंगे। देखिए इसका, अब देखिए ए, ए की वैल्यू मेरे पास में क्या आई, ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंट्रीगल। अब देखिए ए की वैल्यू रख दी, अब मैं क्या करूंगा डीएक्स लगाऊंगा, क्यों ये टी है, मैंने इसका डिफरेंशियल नहीं किया है। अब टी की वैल्यू रखेंगे इसका, डीएक्स अपॉन टी की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी, बी की वैल्यू ये है मेरे पास में माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटीग्रल डीएक्स अपॉन टी की वैल्यू मेरे पास में क्या थी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू, ये फॉर्मूला बन गया किसका, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी का फॉर्मूला बन गया। ये भी टेन का बन गया, ये भी टेन का बन गया। तो देखिए इंटू वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू वन अपॉन बी टेन इनवर्स एक्स अपॉन बी और प्लस सी। अब देखिए इस ए से तो ये ए कट जाएगा, इस बी से ये बी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा ए, इन दोनों में कॉमन ले लूं मैं, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां से बचेगा देखिए ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस बी टेन इनवर्स एक्स अपॉन बी और प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट था भाई। क्वेश्चन नंबर 10 है आई इक्वल्स टू इंट्रीगेशन x प्लस वन अपॉन x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 6x और dx। क्वेश्चन नंबर 10, अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 i इक्वल्स टू इंट्रीगेशन x प्लस वन अपॉन, यहां से देखिए मैं ये x क्यूब था, मैं x कॉमन ले लूं यहां से, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब इसका फैक्टर करते हैं, देखिए x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 का फैक्टर करो तो x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस का 2x माइनस 6, तो x कॉमन लिया x प्लस 3 माइनस टू कॉमन लिया एक्स प्लस थ्री, तो एक्स माइनस टू और एक्स प्लस थ्री इसके फैक्टर आ गए। तो देखिए आई इक्वल्स टू इंट्रीगेशन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और यह आ जाएगा एक्स माइनस टू और एक्स प्लस थ्री और ये डी एक्स फैक्टराइजेशन परफेक्ट हो गया। देखिए तो अब इसको लिखेंगे हम एक्स प्लस वन अपॉन एक्स एक्स माइनस टू x प्लस थ्री बराबर a अपॉन x प्लस b अपॉन x माइनस टू प्लस c अपॉन x प्लस थ्री। अब देखिए भाई ये जो x माइनस टू b अपॉन x माइनस टू रखा है, मैं इसको c अपॉन x माइनस टू भी रख सकता हूं, इसको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आना है। आगे देखिए तो देखिए x प्लस वन बराबर आ जाएगा a, इसी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस टू एक्स प्लस थ्री प्लस b, यह आ जाएगा x और आ जाएगा x प्लस थ्री और प्लस c
एक्स प्लस थ्री चल जाएगा एक्स एक्स माइनस टू। तो देखिए अब क्या करेंगे, पुट कर देते हैं, पुट कर दो इसमें x बराबर दो, पुट किया मैंने x बराबर दो, तो इधर आ जाएगा थ्री, ये जीरो, और यहां से आ जाएगा टू बी, ये आ जाएगा भाई दो तीन दो पांच, पांच दूनी दस बी, दस बी आ जाएगा इधर से, और ये जीरो जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा तीन बटे दस, b की वैल्यू आ जाएगी थ्री बाई टेन, दो पुट करूंगा टू थ्री, ये हो जाएगा जीरो, तीन दो पांच, पांच गुना दो दस बी, ये जीरो हो जाएगा। अब देखिए इसे पुट करेंगे हम, x बराबर माइनस थ्री पुट कर दो, तो माइनस थ्री करते ये जीरो हो जाएगा, माइनस तीन प्लस एक माइनस दो बराबर, माइनस तीन करते ये जीरो, ये माइनस तीन करते जीरो, यहां से देखिए सी, तो माइनस थ्री सी माइनस थ्री माइनस टू, तो माइनस टू बराबर आ जाएगा माइनस थ्री सी माइनस फाइव, और ये आ जाएगा माइनस टू बराबर पांच पंद्रह सी, माइनस दो बटे पंद्रह सी की वैल्यू आ गई, ये आ गई सी की वैल्यू। अब बी की वैल्यू और जी बी की आ गई, अब ए की जे मेरे को, तो मैं पुट कर दूं इसमें एक्स बराबर जीरो, पुट कर देता हूं मैं एक्स बराबर जीरो, पुट एक्स बराबर जीरो, तो यहां से वन आ जाएगा, ये जीरो माइनस दो, माइनस के सिक्स ए, माइनस का सिक्स ए, यह जीरो कर दे, टोटल जीरो, ये टोटल जीरो, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ए इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन सिक्स, ये ए की वैल्यू आ गई, यानी ए बी सी तीनों की मेरे पास वैल्यू आ गई। तो देखिए ए की वैल्यू मेरे पास में आ गई माइनस वन बाई सिक्स, बी की कितनी आ गई, बी की आ गई थ्री बाई टेन, और सी की कितनी आ गई माइनस टू बाई फिफ्टीन। अब देखिए इसका इंटीग्रल करते हैं, अब इंटीग्रल देखिए यहां से करेंगे, देखिए a अपॉन x, a का मान माइनस वन अपॉन सिक्स इंटीग्रल x dx, सॉरी वन अपॉन x है, a का मान लिख दिया मैंने माइनस वन अपॉन सिक्स और dx अपॉन x हो गया, b का मान मेरे पास में आ गया थ्री बाई टेन इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस टू, और c की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस टू बाई फिफ्टीन इंटीग्रेशन c की वैल्यू माइनस टू बाई फिफ्टीन अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस थ्री। तो देखिए साहब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस वन अपॉन सिक्स वन अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा लॉग एक्स, और प्लस थ्री बाई टेन लॉग एक्स माइनस टू, माइनस टू बाई फिफ्टीन लॉग एक्स प्लस थ्री प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरा अगर आंसर है तो इसको लॉग के नियम के द्वारा इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।